दोस्तों, इससे पहले दो वीडियो में आपने देखा कि हमने बात की थी अकाउंटेंसी की और व्यापारिक संगठन की। जो भी सिलेबस आपका 30% कम करने के बाद बचा हुआ था, उसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल आपको बता दी थी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो सब्जेक्ट है अधिकोषण तत्व, जिसको बैंकिंग भी बोलते हैं, इसके बारे में कि इसका क्या 30% रिड्यूस हुआ है और उसके बाद में 70% जो आपका टॉपिक बचा है वो क्या है। चलिए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपके सामने बैंकिंग सब्जेक्ट से रिलेटेड लिस्ट आ चुकी है। जो आपके सामने जो ऊपर वाले पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर वो 30% सिलेबस है जो आपका कम हुआ है, और जो नीचे वाला पोर्शन है वो है जो आप 70% जो बचा हुआ है रिमेनिंग 30% कटाने के बाद में, ये वो वाला पोर्शन है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार ब्रीफ में कि आपकी जो इकाई एक थी उसमें से अधिकोषण बैंकिंग व्यवसाय का संगठन, ये वाला जो आपका पोर्शन है ये हटा दिया गया है, बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। और आपकी इकाई दो से ऋण हेतु दी जाने वाली जमानतें बैंकों का आर्थिक चिट्ठा, ये दो कॉन्सेप्ट हटा दिए गए, बाकी एज इट इज़ रहेगा। आप नीचे वाली लिस्ट में पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि इसके अंदर बाकी आपके टॉपिक क्या बचते हैं। आपकी जो इकाई तीन है उसमें से भारतीय अधिकोषण, भारतीय संयुक्त स्कंध बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, ये वाला पोर्शन भी हटा दिया गया है। बाकी आप देख सकते हैं नीचे आपके बताया हुआ है कि इकाई तीन में आपका बचा हुआ पोर्शन क्या है। इकाई चार से आपका भारतीय मुद्रा बाजार में वाला जो ये आपका चैप्टर है, इसमें से भारतीय बैंकिंग विकास की रूपरेखा, ये वाला आपका कॉन्सेप्ट हटा दिया गया है। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अपनी बुक में भी निशान लगा लीजिए, ताकि आप जब आप पढ़ाई करें तो आपको कन्फ्यूज़न ना रहे कि आपका कौन सा टॉपिक एग्जाम में आएगा, कौन सा टॉपिक नहीं आएगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, अपने डाउट कमेंट सेक्शन में पूछो, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, और हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। थैंक यू वेरी मच।